अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शूज़ बनाने का तरीका। तो इसके लिए मैंने एक सोल पहले से तैयार कर ली है और इसके लिए मैंने ये ऊन ले लिया है और ये मैंने इसकी क्रोचे ठोक ले ली है और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसकी एक नॉट बांध लेंगे। इसे पहले दो उंगलों पर इस तरीके से बांध देंगे, फिर इस तरीके से ये जो धागा है इसे हम इस तरीके से ऊपर ले लेंगे। ये हमारी एक नॉट बन गई। अब हम इसके अंदर अपने क्रोचेट हुक को डालेंगे और अब हम 15 चेन्स बनाएंगे। तो अब हम इसकी 15 चेन्स बना लेंगे। देखें इस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ये अब हमने 15 चेन्स इसमें बना ली हैं। अब हम इसके टी आर बनाएंगे, इसलिए हम 3 चेन इस पर एक्स्ट्रा करेंगे। टी आर बनाने के लिए हम इस पर 3 चेन करते हैं एक्स्ट्रा। अब हम 3 चेन कर लेंगे, 1 2 3। अब हमने 3 चेन कर ली है तो अभी हमारे टोटल हो गई 18 चेन्स। अब हमने एक बार घुमाया और ये जो हमने 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनाई थी उनको छोड़ के हम चौथी चेन में से डालेंगे, 3 को छोड़ देंगे और हम ये चौथी में से डालेंगे। अब हम चौथी में से डाल देंगे। देखिए हमने 3 छोड़ दी। अब इस तरीके से हमने चौथी में डाला, एक बार घुमा के टी आर कर रहे हैं ये हम। अब हमने इसे निकाला 2 में से, फिर हम अब हम इसे 2 में से निकाल देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम सब में इसी तरीके से बना लेंगे सारे टी आर। अब हम इसी तरीके से कर लेंगे। अच्छा, ये शुरू वाले में से हम 5 करेंगे। जो हमने 3 छोड़ के चौथे वाले में से डाला था उसमें से हम 5 करेंगे। पहले जो हम जिसमें से करते हैं उसमें से हम 5 करते हैं, एक में से 5 टी आर। ये देखें, ये हमने 4 कर लिए, अब ये 5वां। ये अब हमने एक में से 5 टी आर कर लिए हैं, मतलब एक ही टांगे में से हमने 5 टी आर किए हैं। अब हम इसके बराबर में से डालेंगे, फिर अब हम हर किसी में से एक एक करेंगे टी आर। अभी हमने इसमें से 5 किए थे, शुरू वाले में से 5 करते हैं और अब हम हर किसी में से एक एक करेंगे। ये देखें इस तरीके से हर किसी में से एक एक टी आर कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसमें से हर किसी में से एक एक बना रहे हैं। ये इस तरीके से देखें, अब हम बनाते जाएंगे, हम पूरा इसी तरीके से बना लेंगे। अब ये देखें, ये हमने बना लिया और ये जो लास्ट वाला टांका है ना, वो अभी हमने नहीं बनाया क्योंकि हम शुरू वाले में से और लास्ट वाले में से एक टांके में से 5 टी आर करते हैं। हमने शुरू में भी 5 टी आर किए थे एक टांके में से, अब हम लास्ट में भी एक में से 5 करेंगे। ये देखें, 1 2। ये देखिए, अब हम इसमें 5 कर लिए। अब हम ये जो जिसमें से हमने 5 की थी उसमें से नहीं डालेंगे, उसके बराबर वाले में से डालेंगे और अब हम हर किसी में से एक एक करते जाएंगे उसके बराबर वाले में से डाल के। अब हर किसी में से इसी तरीके से एक एक टी आर करेंगे इस तरीके से।
ये देखें अब हमने बना लिया है। अब हम ये लास्ट का आ गया है और ये जॉइंट आ रहा है, तो ये हम 3 जो चेन्स थे उसके ऊपर से डाला, 3 चेन्स जो थी उसके ऊपर से हम डालेंगे और ये निकाला। और अब हम सिंगल स्टिच करेंगे, देखें इस तरीके से सिंगल स्टिच कर दिया ये हमने। अब हम इसे आगे बनाने के लिए मज़ीद 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये हमने 3 चेन्स बना ली। इसके बाद हमने एक बार घुमाया। अब हम हर किसी में से
ये देखिए अब हम हर किसी में से दो सात करेंगे, एक टांके में से हम दो सात करेंगे, टोटल दो सात दस होने चाहिए, एक दो। अब हम दूसरे वाले टांके में से दो करेंगे, एक दो, ये टोटल हमने चार बना लिए। इसी तरीके से दूसरे टांके में से दो, एक दो, ये टोटल सिक्स हो गए। फिर हम अगले टांके में से दो करेंगे, एक दो, टोटल आठ हो गए। अब अगले टांके में से हम दो करेंगे तो ये टोटल दस हो जाएंगे। ये देखिए अब ये टोटल दस हो गए। इसकी गोलाई के लिए हमने इसे किया था, टोटल दस हो गए। अब हम हर किसी में देखिए सर, दो टू थ्री और ये तीसरी भी हम कर देंगे, तीसरी ये टोटल हमने थ्री बनानी है। ये देखिए थ्री हो गई ना, वन टू थ्री। अब हम इस पर चेन करेंगे, वन चेन की और इसे घुमा दिया, फिर इसे मज़ीद बनाया हमने। टोटल हमने वैसे भी तीन बनाए थे, लंबाई में भी तीन थे, चौड़ाई में भी हम तीन ही बनाएंगे, चौड़ाई में भी तीन बनाए थे, लंबाई में भी तीन ही बनाएंगे। फिर एक चेन करके इसे घुमा देंगे, फिर ये हमारी थ्री लाइन्स हो जाएंगी। ये देखिए हमारी थ्री लाइन्स हो गई हैं। अब ऐसे भी थ्री लाइन्स है और लंबाई में भी और चौड़ाई में भी थ्री थ्री लाइन्स हैं। अब हम इसमें चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन चेन बनाएंगे, फिफ्टीन चेन्स बनाएंगे हम। फिर हमने एक छोड़ा और अब हम इसमें से डीसी करेंगे। एक चेन छोड़ के फिर हमने डीसी करेंगे हर किसी में से एक एक, हम सब में से इसी तरीके से डीसी कर लेंगे। देखिए हमने कर लिया है। थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमने सिक्स टीम्स किए। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, अब हम इसे नाइन वाले में से ज्वाइन करेंगे, नाइन वाले में समय से ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से, अब फिर हम इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन्स बनाएंगे। अब देखिए हमने दूसरी साइड भी बना लिया था और अब हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे, जो हमने इस साइड बनाया था वो हमने इस साइड भी बना लिया। अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे इसे, पहला का मंत्र दीजिएगा।
पे तदारु इमारत होती है और विमश का अगवा ले तो फिर यहाँ से गति से पहुँच कर देखें अब ये हमने बना ली है और अब हमने यहाँ से दाग लगाया। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन्स की, 1 छोड़ के हम दूसरी वाली चेन में से डालेंगे और इसमें से डीसी करेंगे। इसमें से एक एक डीसी ठीक है, उसे भी आगे लेके जाके हम डीसी करते रहेंगे। लेकिन इस तरीके से हम इसमें से डालेंगे, इसे डीसी कर लेंगे। ये देखें ये अब हमने बना लिया है। ये देखें अब हमने 3 लाइनें बनाई थी, 3 डीसी की लाइनें। ये हमारा जूता बन गया है। अब हम इसके धागे भी अंदर डाल देंगे। देखें हो गया, अब हमने इसके धागे अंदर डाल दिए। और ये अब हमने सोल ले लिया है और इसका जो शेप था वो हमने सोल में बना लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसके नाप का सोल कट कर लिया है। अब मैं इसे चिपकाऊंगी, पेस्ट कर दूंगी ग्लू से। ये देखें ये हमारे जूते बन गए हैं। मैंने इसकी सोल भी पेस्ट कर दी और ये जो मैंने बनाया था इसका फ्लावर टाइप वो मैंने इस पर सुई धागे से लगा दिया और ये मैंने बटन भी लगा दिए हैं और ये हमारे जूते बन गए हैं।